इसलिए मन को मजबूत रखिए। मन का संकल्प मजबूत होना चाहिए। शरीर कमजोर हो चल जाएगा, मन को मत टूटने दीजिए, मन को कमजोर मत होने दीजिए। व्यापार बिगड़ जाए चिंता मत करना, रिश्तेदारी बिगड़ जाए चिंता मत करना, रोटी बिगड़ जाए चिंता मत करना, परिवार बिगड़ जाए तो भी चिंता मत करना, बीवी बच्चे घर छोड़ के चले जाए तो भी चिंता मत करना। बस ध्यान रखना कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट ना जाने पाए तो सब कुछ वापिस आ जाएगा और फिर से अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे। चेहरे की मुस्कुराहट ना जाने पाए, इसलिए मैंने कहा सेल्फी के बगैर मुस्कुराना सीखो। आदमी सेल्फी के समय ही मुस्कुराता है, बाकी तो मियां जी रोते क्यों, सूरत ही हूं। ये क्या हो गया? हर हाल में जीने की आदत बनाओ, हर हाल में जीने के लिए तैयार रहो। शिष्य ने गुरु से आके कहा, गुरु जी आज एक आदमी आया था आश्रम को गाय दे के गया है। गुरु ने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब अच्छा गरम गरम दूध ताजा दूध पीने को मिलेगा। चार दिन बाद वही शिष्य फिर आया और कहा गुरु जी जो को चार दिन पहले आश्रम को गाय दे के गया था आज वो अपनी गाय वापिस ले गया। गुरु ने कहा अच्छा हुआ, गोबर उठाने की झंझट मिटी। हर हाल में राजी, गाय आई अच्छा हुआ ताजा दूध पीने को मिलेगा, गाय चली गई अच्छा हुआ, गोबर उठाने की जो भी दे दे मालिक तू कर ले स्वीकार, जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल। कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल। हर हाल में जीने की आदत डालो, हर हाल में जीने की आदत डालो, हर हाल में जीने की आदत डालो। एक समय था जब माँ अपनी बेटी को विदा करती थी संस्कार दीक्षा देती, माँ अपनी बेटी को विदा करती थी संस्कार दीक्षा देती थी और संस्कार दीक्षा में कहती थी बेटी पति को प्रिय होना यही अब तुम्हारा धर्म होगा, पति को प्रिय होना यही तुम्हारा धर्म होगा बेटी। जिंदगी रेलवे लाइन नहीं कि समानांतर चले, ये तो गंगा की धारा है, गंगा कभी इधर गिरती है कभी इधर गिरती है, कभी इधर मुड़ती है कभी उधर मुड़ती है, इसके बावजूद भी कब गंगा की पवित्रता में कभी आंच नहीं आती है। माँ 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 बेटी को विदा के समय शिक्षा देती थी कि जिंदगी रेल बदाय नहीं जो समानांतर चले, ये गंगा की धारा है, गंगा की धारा कभी इधर गिरती है कभी उधर गिरती है लेकिन गंगा की पवित्रता में कभी आंच नहीं आता बेटी। इसी तरह जिंदगी में कभी सुख के दिन आएंगे कभी दुख के दिन आएंगे, लेकिन इतना ख्याल रखना खानदान की मर्यादा को निभाना, कुल की मर्यादा को निभाना, उसमें कभी आंच मत आने देना। ये संस्कार दीक्षा दी जाती है। आजकल क्या हो रहा, आजकल क्या वो भी बताऊं? नहीं नहीं मुझे सब मालूम है। कल इंडिया टीवी पर वो पूछ रहे थे रजत जी ये घर घर सास बहू में झगड़ा होता है ये आपको कैसे मालूम है, आपने तो शादी की नहीं है, छोटी सी उम्र में घर छोड़ दिया है, आपको कैसे मालूम ये पति पत्नी के बारे में क्या हो रहा है, सास बहू के बीच में क्या हो रहा। मैंने कहा भैया मेरा कोई घर नहीं है लेकिन मुझे घर घर की कहानी पता है, विदा के समय क्या सीख देती है, आधुनिक माता क्या बोलती है। दो सहेली आपस में मिली और बोली अरे तू इतनी दुबली क्यों है, इतनी दुबली पतली क्यों, क्या तेरे को ससुराल में खाने को नहीं मिलता क्या। बोली नहीं खाने को तो मिलता है, खाने को कोई मना ही नहीं, जो चाहो जितना चाहो जब चाहो जैसा चाहो वो मिलता है। फिर उसने उससे पूछा वो तू इतनी हट्टी खट्टी क्यों है, क्यों है। बस विदा के समय मेरी माँ ने एक सीख दी थी बस उसका पालन कर रही हूँ। तेरी माँ ने कोई सीख नहीं दी कि नहीं मेरी चेतना नहीं थी तुझे दी। हाँ मेरी माँ ने विदा के समय एक सीख दी थी बस उसका पालन करे। क्या कहा था, कुछ नहीं कहा था। मेरी माँ ने कहा था रात में जब सोने के लिए अपने कमरे में जाओ एक गिलास दूध बड़ा 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 गिलास गिलास
उसमें काजू, किशमिश, बादाम, केसर, पिस्ता, सारा ऐसा दूध पति के सामने ले जाके गिलास रख देना और उसी समय कुछ ऐसी बात बोल देना पति को गुस्सा आ जाए और जब गुस्सा आएगा तो बोले कि नहीं पी रहा तू तो टूट पी जाना। बस माँ का सिर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जो भी दे दे मालिक तू कर दे कबूल। कभी कभी कांडों में निकलते हैं फूल। मन को मजबूत बनाइए, मन को मजबूत बनाइए, मन को मजबूत बनाइए और इतना मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए इरादे पक्के हों और लगन हो तो लोहा बेचने वाला टाटा और जूता बेचने वाला बाटा बन सकता है। इरादे पक्के हो और लगन हो तो लोहा बेचने वाला टाटा और जूता बेचने वाला बाटा, चाय वाला पीएम और झाड़ू वाला सीएम बन सकता है। इरादे पक्के, इरादे पक्के, इरादे पक्के हो। हमारे नया साल आता है, बहुत सारे लोग हम ऐसे बहुत सारे लोग नए साल पे ये करना है, वो करना है, फला करना है, डायरी लेते हैं, दो दिन पहले नई डायरी खरीदेंगे, पेन लाएंगे, डायरी डेली की इसमें डायरी बनाना है और डेली देखना है, 5 बजे उठ करके घूमने जाना है, प्लानिंग करते बहुत प्लान है, 15 दिन पहले से प्लानिंग है, रात में नहीं खाना है, बाजार का नहीं खाना, तला गला का नहीं खाना, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज, इतने पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। 4-6 दिन तो ठीक रहता है, बाद में टाइम टाइम फिस। इरादे में पक्के नहीं है, पक्के नहीं है, पक्के बनिए, पक्के बनिए, पक्के बनिए। एक भाई ने पूछा सबसे अच्छी कास्ट कौन सी, मैंने कहा बनिए, सबसे अच्छी कास्ट बनिए। बोले कैसे, मैंने कहा हर जगह लिखा रहता है राष्ट्रवाद बनिए, शाकाहारी बनिए, सामाजिक बनिए, दयालु बनिए, व्यवहारिक बनिए, दानशील बनिए और अब क्या बचा जो ना हो बनिए। इरादे पक्के हो, नामों में कुछ भी नहीं है, नामों के कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है